इस क्लिप में दो सांप जिसमें से एक रैटल स्नेक है और दूसरा किंग स्नेक, ये दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को अपनी कुंडली में फंसाते जा रहे हैं। इस लड़ाई में पहले तो रैटल स्नेक भारी पड़ रहा था, जो किंग स्नेक के मुंह को भी अपनी कुंडली में जकड़े हुए था, लेकिन ये लड़ाई एक अलग मोड़ लेती है और किंग स्नेक इस रैटल स्नेक को इसकी पूंछ की ओर से ही निगलना शुरू करता है, जिसके कुछ ही क्षण बाद ये उसे अपने मजबूत कुंडली के ताकत के बीच जकड़ते हुए पहले तो उसका दम घुटता है, फिर इसके बाद वो इसे पूरा निगलते हुए यहाँ से चलते बनता है। मॉनिटर लिजार्ड जंगल के वो दानव होते हैं जिन्हें दया शब्द की कोई भी परिभाषा नहीं पता होती, ये तो सिर्फ और सिर्फ शिकार करना ही जानते हैं, चाहे उनके आगे कोई भी क्यों ना हो। अब प्रजाति का असर तो सब में ही होता है। ऐसे ही एक लिजार्ड की क्लिप सफारी पार्क से निकलकर सामने आती है। इसमें एक गिरगिट तेंदुए के बच्चे से उलझते हुए लगातार अपनी पूंछ से उसके मुंह पर थप्पड़ मारते जा रहा था और इसके इस प्रतिक्रिया से तेंदुए का बच्चा भी डर रहा था, लेकिन डरते हुए भी इस तेंदुए के बच्चे ने इस लड़ाई को ज्यादा देर चलने नहीं दिया और सही समय पाते ही एक ही अटैक में इस गिरगिट को अपने जबड़ों में दबोचकर और उसे झाड़ियों में ले जाकर अपना निवाला बना लिया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों पहले वाला तो छोटा लिजार्ड था, अब जरा इस मॉनिटर लिजार्ड से भी मिलिए। यहाँ पर ये कुत्ता इस मॉनिटर लिजार्ड को देखते ही उसे अपने इलाके से दूर भगाने के लिए उस पर लगातार भूके जा रहा था और इसने उसे काफी दूर तक भगाया भी, लेकिन यहीं पर ये कुत्ता खुद को सवा शेर समझने की गलती कर बैठता है और भौंकते भौंकते इस गिरगिट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जहां गिरगिट भी अपनी मोटी पूंछ से इस कुत्ते के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिससे इस कुत्ते को इसकी औकात याद आ जाती है और वो चिल्लाते चिल्लाते अपने दुम दबाकर वहां से निकल लेता है। वैसे दोस्तों अब तक के मॉनिटर लिजार्ड के सबसे खतरनाक हमलों की बात की जाए तो मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूंगा जहां पर एक बंदर इस मॉनिटर लिजार्ड से मस्करी करने पहुंचा था, लेकिन इसे इसकी मस्करी बहुत ही भारी पड़ जाती है। ये मॉनिटर लिजार्ड इस बंदर को जिंदा ही निगल ले गया। मैंटिस, जिसे हम जंगल का टिड्डा कहते हैं, छिपकली और गिरगिटों द्वारा इनको निगला जाना बिल्कुल आम बात है, लेकिन कभी कभी इन छिपकलियों को इनसे उलझने का हर जाना अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ता है। इस क्लिप में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक मैंटिस इस छिपकली या गिरगिट को अपने पैरों से जकड़कर उसका शिकार कर रहा है और उसे कैसे नोच नोच कर अपना निवाला बना रहा है। ये लड़ाई दो कोआला बियर्स के बीच छिड़ी हुई है। देखिए, मुझे इनकी लड़ाई की वजह तो नहीं पता है, लेकिन हाँ दोस्तों, इनकी इंसानों की तरह लड़ाई देख मुझे हंसी तो बहुत आ रही है। दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। मार, 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 लतिरा दे, पकड़ जुटाना हिला दे। अपनी सुरक्षा को लेकर जानवर भी बहुत ही अलर्ट रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इस मुर्गी को ही देख लीजिए, चिकन फार्म में एक कौवे के घुस जाने पर इस मुर्गी को लगा कि अब ये कौवा इसके बच्चों के लिए खतरा बनेगा, इसलिए ये बिना कुछ सोचे समझे ही इस कौवे के ऊपर हमला बोल देती है और जिसके बाद उस मुर्गी और इस कौवे के बीच जमकर लड़ाई होती है, जिसमें ये मुर्गी उस कौवे के ऊपर भारी पड़ती है और इसे पटक पटक कर मारती है, जिससे इस कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और ये मैदान छोड़ यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। ऐसे ही एक दृश्य 2018 में अर्जेंटीना में देखने को मिला, जहाँ पर एक हॉक और एक कौवा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में ये बाज कौवे के ऊपर पूरी तरीके से भारी पड़ रहा था, जो उसे अपने पंजों में दबाए हुए उसे अपने पैनी चोट से लगातार घाव दे रहा था। मोल स्नेक तो जहरीले नहीं होते, जिसकी वजह से ये किसी के लिए जानलेवा नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बाइट बहुत ही दर्द पहुंचाती है। लेकिन जब सामना जंगल के एक बहादुर जानवर से हो जाए तो कोई भी तरीका काम नहीं आता। यहाँ पर एक हनी बेजर एक मोल स्नेक को देखते ही उस पर टूट पड़ा है। सांप खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ था, जिस बीच वो हनी बेजर के ऊपर उसे हमला करके उसे दर्द भी देना चाहा, लेकिन अगर ये हनी बेजर्स एक बार किसी के ऊपर अपना निशाना बना ले तो उसका खेल तो खत्म ही समझिए। और यहाँ पर इस मोल स्नेक को अपने जीवन की जंग हारनी पड़ गई। दोस्तों अब यहाँ पर एक लड़ाई रैटल स्नेक और एक रोड रनर के बीच देखिए, जहाँ पर पहले तो इस रैटल स्नेक को देखकर ये रोड रनर भागती है, लेकिन अगले ही पल में सही समय और सही जगह पाकर ये उस रैटल स्नेक पर ही हमला करती है और सांप के मुंह को अपनी चोंच में दबाकर उसे उठा उठा कर पटकती है, जिससे कि रैटल स्नेक मर जाता है। YouTube पर तो आप लोग ये इमेज बहुत ही बार देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में अब तक किसी ने जिक्र नहीं किया। दरअसल दोस्तों ये एक एनिमेटेड वीडियो है जो पाकिस्तान के एक वीडियो एडिटर द्वारा बनाई गई थी, जिसमें एक जिराफ और एक हाथी को पानी के लिए लड़ते हुए दिखाया गया था। वाकई में ही ये वीडियो दुनिया के लिए
सेव वाटर सेव लाइफ का एक संदेश थी जिसे क्रिएटिविटी के साथ पिरोकर लोगों के सामने पेश किया गया था। आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेजोन के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेजोन के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं।